हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कनुप्रिया और आपके लिए लेकर आई हूं बी टाउन की चटपटी खबरें और गॉसिप्स भी। तो आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की खास खबरों पर। बॉलीवुड में जारी है शादियों का सिलसिला। सोनम कपूर और नेहा धूपिया के बाद हिमेश रेशमिया भी परिणय सूत्र में बन चुके हैं। हिमेश और सोनिया की शादी से फैंस सरप्राइज हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर इन्होंने अचानक जो शादी कर ली है। हालांकि ये दोनों लंबे समय से इस रिलेशनशिप में थे। बीते शुक्रवार ये क्यूट कपल मैरिड कपल बन गया है और अब ये दोनों अपने हनीमून के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं। देर रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। भाई, हमारी तो यही दुआ है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे। आलिया भट्ट और रणबीर के अफेयर के किस्से इन दिनों बहुत ताज़ा हैं। आलिया और रणबीर हर जगह एक दूसरे के संग स्पॉट किए जा रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, ये लव बर्ड सोनम की शादी में भी एक दूसरे के साथ ही नजर आए थे। वैसे अभी तो चटपटी खबर है कि आलिया ने अपनी इंस्टा पर अपनी माँ के संग अपना फोटो अपलोड किया और लिखा, हेलो ब्यूटिफुल मॉम, इट्स योर डे टूडे एंड एवरी डे। आलिया के इस पोस्ट पर मॉम नीतू ने कमेंट करते हुए लिखा ओ, और साथ में दिल वाली इमोजी भी बना दी। अब उनकी इस कमेंट को फैंस बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें, ये पहली बार है जब नीतू सिंह अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ इतनी फ्रेंडली बिहेव कर रही हैं। लगता है उन्हें भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन दिनों भोजपुरी स्टार पवन सिंह निरहुआ, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे भी लंदन में खूब धूम मचाते नजर आए हैं। लंदन में भोजपुरी गानों का जादू बिखेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन चारों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पवन, अक्षरा, निरहुआ और आम्रपाली लंदन में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ये चारों लंदन में एक शो के सिलसिले में गए थे और वक्त मिलते ही लंदन एक्सप्लोर करने निकल पड़े। अब इस दौरान पवन सिंह को जो माइक मिल गया और एक सितार वादक और एक अंग्रेज गायक भी मिल गए, बस फिर क्या था, पवन ने अपना गाना शुरू कर दिया। लगा ले वो जब तू लिपस्टिक, गाना शुरू करते ही आसपास पब्लिक इकट्ठा हो गई और इन चारों ने लंदन में भी भोजपुरी को सुपर हिट कर दिया। बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार 28 जुलाई 2017 को दुनिया से विदा हो गए थे। उनकी मौत के लगभग एक साल बाद इंदर कुमार के सुसाइड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंदर कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन इस वीडियो में वे सुसाइड करने के बाद बोलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में इंदर कुमार के हाथ में शराब की बोतल है और वे अपने माता पिता से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो देखने पर तो लगता है कि इंदर कुमार ने अपनी मौत से पहले ही इस वीडियो को खुद ही रिकॉर्ड किया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी फिल्म का दृश्य है। कंट्रोवर्सी क्वीन शर्लिन चोपड़ा इन दिनों फिर से चर्चा में है, और इस बार वो अपने बोल्ड लुक के लिए नहीं बल्कि एक वीडियो के लिए गॉसिप में है। और इस वीडियो में शर्लिन ने एक कार खुद को ही गिफ्ट की है और खुशी एक्सप्रेस करने के लिए वो नाच भी रही हैं। हम आपको बता दें कि शर्लिन ने जो कार खरीदी है उसकी कीमत 87 लाख रुपए है। भाई, इतनी महंगी कार की खुशी होना तो लाजमी ही है, और बात अगर शर्लिन की हो रही है तो एक्सप्रेशन तो जरा हटके होना ही चाहिए। सलमान खान को बॉलीवुड में ऐसे ही भाई नहीं कहा जाता है। सलमान खान अपनी दिल फरियादी के लिए मशहूर हैं। वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाकर मदद भी कर सकते हैं। सलमान ने अब तक कई लोगों को ऐसे तोहफे पेश किए हैं जिसकी चर्चा अब तक बी टाउन में गर्म है।
हाल ही में सलमान ने सोनम को उनकी शादी में जो तोहफा दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, सलमान ने सोनम को उनकी शादी में 90 लाख रुपए की कार गिफ्ट की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम की शादी में जमकर मस्ती भी की है। अभी के लिए इतना ही मसाला काफी है। कल फिर हाजिर होंगे एंटरटेनमेंट की मसालेदार खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। We'll be right back.